अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन की बॉन्डिंग से तो हर कोई वाकिफ है। हालांकि बड़े होने के साथ ही वो समझदार हो गए हैं, लेकिन बचपन में उनके बीच भी हर भाई बहन की तरह खतरनाक झगड़े होते थे। इस बात का खुलासा खुद श्वेता बच्चन ने एक पॉडकास्ट में किया। दरअसल नव्या नवेली नंदा अपने पॉडकास्ट वर्ड द हिल नव्या सीजन 2 के एक नए एपिसोड में अपनी नानी जया बच्चन और माँ श्वेता के साथ बात करती नजर आई। श्वेता बच्चन ने बताया कि एक बार घर पर अमिताभ और जया नहीं थे तो अभिषेक ने अपने बाल काट दिए थे। जया बच्चन कहती हैं कि अभिषेक ने श्वेता के सिर के बीचों बीच से बाल उड़ा दिए थे, जिसके बाद श्वेता उस झगड़े को डिटेल में बताते हुए कहती हैं, हमारा झगड़ा हुआ था, पेरेंट्स बाहर थे, हमारी कुछ बहस हो गई थी, पता नहीं उसे कैची कहां से मिल गई और उसने मेरे बाल पकड़े और बस काट दिए। मुझे ऐसे बालों में स्कूल जाना पड़ता था, नानी बालों में पिन लगा देती थी ताकि मेरे कटे हुए बाल दिखे नहीं। श्वेता ने बताया कि सुबह स्कूल जाते वक्त जया बच्चन उनकी चोटी बनाती थी, अगर वो सिर हिलाती तो पिटाई हो जाती थी। जया श्वेता से बोलती थी, सीधे बैठो और कंघी से सिर मारती जाते। इसके साथ ही श्वेता कहती हैं कि अमिताभ बच्चन को परिवार में महिलाओं के छोटे बाल पसंद नहीं है। वो कहती है कि कैसे वो अपने बचपन के दिनों में अक्सर अपने बाल छोटे कराती थी, जिससे उनके पिता काफी नाराज हो जाते थे। उन्होंने बेटी को बताया कि पापा को ये पसंद नहीं था, उन्हें इससे नफरत है, यहाँ तक कि जब भी मैं अपने बाल कटाती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन्हें छोटे बाल पसंद नहीं, उन्हें लंबे बाल पसंद है, जब हम में से कोई अपने बाल कटाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसके साथ ही श्वेता बच्चन ने बताया कि उन्हें माँ जया बच्चन की कौन सी आदत पसंद नहीं है। वो कहती हैं, सबसे खराब चीज तो वो ये थी, जब आप अपने बालों में प्याज का रस लगाती थी, मुझे बाहर वाले दरवाजे तक उसकी बदबू आती थी। इससे पहले बच्चन ने नातिन को रिलेशनशिप पर आइडियाज भी दी थी। उन्होंने कहा था, मेरे लिए बुरा व्यवहार रेड फ्लैग है, मुझे बहुत खराब लगता है जब लोग तू या तुम कहकर बात करते हैं, चाहे किसी से भी हो। आपने कभी मुझे नाना को तुम कहते सुना हुआ है? मुझे लगता है कि इन चीजों पर काम करना चाहिए, तुम्हारी जेनरेशन इन सब चीजों को फॉलो नहीं करती है। आप से तुम से तू और तू के बाद खत्म। रिलेशनशिप ऐसे ही खत्म होता है, जब तक आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। जया बच्चन का कहना है कि बैड मैनर्स किसी भी रिश्ते में खतरे का साइन है। बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का रिश्ता 50 सालों से अटूट है। 1973 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन फिल्म जंजीर में साथ नजर आए, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों ने उस वक्त साथ में विदेश जाने का प्लान बनाया। हालांकि अमिताभ के पिता ने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि अगर साथ में छुट्टी मनाना जाना है तो पहले शादी करनी होगी। उसी के बाद अमिताभ और जया ने जल्दबाजी में शादी कर ली। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।